नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। परीक्षा में कम अंक मिलने से नाराज छात्रों ने किया हंगामा, मुख्य सड़क अशोक राजपथ को किया जाम। राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी जातीय जनगणना, नीतीश को केवल पीएम मोदी के इनकार का है इंतजार। वैक्सीनेशन में भारी लापरवाही, बेगूसराय में युवक को 2 सेकंड में 2 दफे लगा दिया टीका, हालत बिगड़ी। पटना जिला परिषद अध्यक्ष की मनमानी से सरकार भी परेशान, विकास योजनाओं पर पहल नहीं करने पर शो कॉज जारी। पटना में मेट्रो चलाने की तैयारियां जोरों पर, इन पदों पर निकली वैकेंसी। हर पंचायत चुनाव 20 सितंबर से 25 नवंबर के बीच 10 चरणों में होगा चुनाव। CBSE 10वीं परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद जिन छात्रों को कम अंक प्राप्त हुआ है, वैसे छात्रों का हंगामा लगातार जारी है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के हाजीगंज स्थित सर्वोदय स्कूल में छात्र छात्राओं ने जहां स्कूल के गेट पर जमकर हंगामा किया, वहीं हाजीगंज मोड़ के पास अशोक राजपथ को भी जाम कर दिया, हंगामा मचाया। इस दौरान यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रबंधक पर परीक्षा में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं छात्र छात्राओं ने स्कूल प्रबंधक पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। स्कूल में हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित छात्रों को शांत कराने में जुटी है। छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। हंगामा करने वाले छात्र छात्राओं का यह कहना है कि CBSE बोर्ड परीक्षा में धांधली हुई है, स्कूल में टॉप करने वाले छात्रों को मात्र 50 से 55% ही नंबर आया है। ऐसे में मेहनत से पढ़ाई करने वाले और टॉप करने वाले छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, अब उन्हें किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जातिगत जनगणना के मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला कर रखा है। केंद्र सरकार अगर जातीय जनगणना कराने को तैयार हो जाती है तो ठीक है, वरना नीतीश बिहार में राज्य सरकार के खर्च पर जातीय जनगणना कराएंगे। नीतीश कुमार ने गुरुवार को ही कह दिया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जातीय जनगणना के मसले पर अपनी बात रख दी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मिलने के बाद ही आगे की बात बढ़ेगी। हालांकि JDU के अंदर नीतीश कुमार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को यह कह चुके हैं कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं होती है तब भी राज्य सरकार इसे कराएगी। बिहार के बेगूसराय में कोरोना वैक्सीनेशन में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीका लगाने गए युवक को 2 सेकंड में 2 दफे वैक्सीन दे दिया गया है, इसके बाद युवक की तबीयत बिगड़ गई। इतनी बड़ी लापरवाही करने के बावजूद किसी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वाकया बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के चंदौरा का है। चंदौरा में सरकारी सेंटर पर कोरोना का टीका लेने गए युवक मोहम्मद सबीर के साथ ये वाकया हुआ है। दरअसल सरकार ने चंदौर गांव में वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया है, इस इलाके के लोगों को वहां वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। चंदौर के ही रहने वाले मोहम्मद साबिर गुरुवार को सरकारी टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लेने गया था तो भारी आफत में फंस गया। मोहम्मद साबिर के परिजनों ने बताया कि सेंटर पर उसे वैक्सीन दे दिया गया था, इसी बीच वहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने के लिए आ गए। बड़ी संख्या में लोगों के साथ आने के कारण अफरा तफरी का माहौल हो गया। भगदड़ की स्थिति देख मोहम्मद साबिर टीका लेने के बाद वहां से निकलने लगा, लेकिन तभी एक स्वास्थ्यकर्मी ने उसे पकड़ा और फिर से वैक्सीन का डोज दे दिया। 2 सेकंड के भीतर उसे 2 दफे कोरोना का वैक्सीन दे दिया गया। पटना जिला परिषद अध्यक्ष और अब पटना जिला परिषद परामर्श समिति के अध्यक्ष अंजू कुमारी की मनमानी से नीतीश सरकार भी परेशान है। अध्यक्ष अंजू कुमारी ने सरकार के नाक में दम कर रखा हुआ है। नतीजा यह है कि पटना जिला परिषद से जुड़ी सरकार की योजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही है और अब पंचायती राज विभाग ने जिला परिषद परामर्श समिति अध्यक्ष अंजू कुमारी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। विभाग ने पूछा है कि आखिर क्यों नहीं उनको पद से हटा दिया जाए। दरअसल पटना जिला परिषद अध्यक्ष अंजू कुमारी ने विकास योजनाओं को अपने क्षेत्र में तरजीह नहीं दी है। उन पर आरोप है कि बार बार सरकार की तरफ से योजनाओं के चयन के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब पंचायती राज विभाग ने अध्यक्ष अंजू कुमारी को नोटिस जारी करते हुए 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा है। विभाग ने कहा है कि अगर आपका कोई जवाब नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाएगा कि आप इस संबंध में कुछ नहीं करना चाहती है, इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने यह पत्र जिला परिषद अध्यक्ष अंजू कुमारी को भेजा है। न मेट्रो के संचालन प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन PMRCA ने एजेंसी के माध्यम से मैनपावर बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी है। PMRCL की ओर से ऐसी एजेंसी को हायर करने के लिए निविदा जारी की गई है।
जो पटना मेट्रो के लिए मैनपावर की आपूर्ति करेगी। कुल 22 पदों पर एजेंसी के माध्यम से लोग रखे जाएंगे। इसमें ड्राफ्ट मैन से लेकर आईटी एग्जीक्यूटिव स्तर के कर्मचारी होंगे। एमआरसीएल ने इनके लिए वेतन भी निर्धारित कर दिया है। वेतन के साथ वार्षिक व्यय राशि का ब्यौरा दिया गया है। साथ निविदा शर्त के अनुसार ऐसी एजेंसी को रखे जाने की शर्त है जिसका पिछले 3 वर्षों से 1 करोड़ या उससे अधिक का व्यय का ब्यौरा रहे। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 20 अगस्त तक पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और पत्र में कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत ग्राम कचहरी के आम चुनाव संबंधित सूचना जारी करने की अनुमति मांगी है। त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों के लिए 10 चरणों में चुनाव कराए जाने हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों में 4 पदों पर चुनाव होना है। इसमें वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद शामिल है। वहीं ग्राम कचहरियों में पंच और सरपंच का पद चुनाव होना है। आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव ईवीएम से और ग्राम कचहरियों का चुनाव मत पत्र से कराने की तैयारी की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 198 करोड़ की लागत से मुंबई जैसे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण इसी साल से शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सांसद में ये जानकारी दी है। हालांकि फिलहाल मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज में कैंसर मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन नए अस्पताल का निर्माण काम इसी साल से शुरू हो जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मुजफ्फरपुर में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से आधुनिक कैंसर अस्पताल खोलने का ऐलान किया था। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में उस संबंध में सवाल पूछा था। सुशील मोदी ने पूछा था कि सरकार कब तक इस अस्पताल के निर्माण का काम शुरू करेगी। सुशील मोदी के सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में उपचार की तमाम सुविधाओं सहित कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए 198.15 करोड़ की स्वीकृति दे दी है। इसी साल टेंडर कर अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षक बहाली में बड़ा फर्जीवाड़ा छपरा में सामने आया है, जहां फर्जी टीएटी सर्टिफिकेट के साथ एक महिला काउंसलिंग के लिए पहुंची थी। छपरा नगर निगम क्षेत्र में 6ठे चरण के नियोजन के लिए जिला नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक बहाली की काउंसलिंग का काम किया जा रहा था। जब इस दौरान अंक पत्र और सर्टिफिकेट की जाँच की गयी, तब इसे फर्जी पाया गया। फिर क्या था, जाँच टीम ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। महिला ने पटना के एक साइबर कैफे से टीडी का फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था, जिसके आधार पर वह शिक्षक बनने के लिए काउंसलिंग में पहुंच गई। लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट की जांच की गई, तो उसमें रोल नंबर और फोटो नहीं मिला, जिसके बाद इस बात का पता चला कि महिला द्वारा दिए गए अंक पत्र और सर्टिफिकेट फर्जी है। टीडी के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग में शामिल होने आई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा से अगले साल से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके साथ ही करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा के मामले में इसे राज्य में पहली बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। परियोजना के लिए बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का चयन इसी महीने होने की संभावना है। वे करीब 25 साल तक बिजली उत्पादन कर सकेंगी और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन को लेकर 13 अगस्त को फाइनेंशियल बिड पर अंतिम निर्णय होने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार राज्य में इससे करीब 1250 करोड़ रुपए का निवेश होगा। फिलहाल में इस परियोजना के लिए एनटीपीसी सतलज जल विद्युत निगम, अवाड़ा एनर्जी एवं एसकेपीएल ने रुचि दिखाई है। इनमें से सभी कंपनियों ने राज्य सरकार को बिजली बेचने के लिए अपनी अपनी कीमत की घोषणा कर दी है। बिहार राज्य बीज वितरण निगम बीजों के वितरण और संग्रहण प्रणाली को पारदर्शी बना रहा है। सॉफ्टवेयर में बदलाव कर किसानों के लिए सहूलियत बढ़ाने जा रहा है। किसानों से बीज संग्रहण की सूचना के लिए लेजर सिस्टम शुरू किया जाएगा। प्रत्येक कलेक्शन सेंटर पर अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग सभी किसानों को एक ही पंजीयन संख्या निर्गत होगा। अब एक किसान को स्थायी रूप से एक यूनिक आईडी जारी किया जाएगा। इस आईडी के आधार पर किसान किसी भी सीजन में बीज के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसी यूनिक आईडी के जरिए बीज सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। निगम को भी बीज कलेक्शन देखने में सहूलियत होगी। लेजर सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा किसानों द्वारा प्राप्त किए गए बीजों का रिकॉर्ड कैश बुक में भी किया जाएगा। बीज का उत्पादन करने वाले किसान हो अथवा बीज लेने वाला कलेक्शन सेंटर पर, उससे SMS पर सूचना मिल जाएगी। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।